सब कुछ एकदम अच्छे से देखे थे, और उसके बाद से आए तो पूरा चेंज हो गया, एकदम से पलट गया चीज़ें। तो इसीलिए ना कोई बात नहीं है, हम कहते हैं कि टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अब कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा तुम फ़ोन पे ध्यान दो, फ़ोन चेक करो, ये करो वो करो। मुझे पता है आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बट क्या है ना कि फ़ोन चेक करने से और ये सब चीज़ें करने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। इंसान के अंदर अगर उसके अंदर अगर के लिए प्यार होता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। ज़बरदस्ती किसी से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बस यही सब है, और मम्मी पापा भी वो लोग लंच नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पुष्पा, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर बोलूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी वीडियो हम लोगों ने डाली है, ठीक है, तो हम सब लोग बोल रहे हैं कि ये आ रहा है कि जगत दीदी मूव ऑन करना चाहती थी, ठीक है, और आप क्यों बोल रहे हो इतना भला बुरा उनके बारे में। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो पॉइंट्स हैं मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में, मोस्टली ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप क्या लगती हो जगत दीदी की, क्यों इतना उनका बुराई कर रहे होते। बेट सबको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोगों का काम है रिएक्शन देना, तो हम लोग रिएक्शन देते हैं, और हमें जो पक्ष ठीक लगता है हम उसके ऊपर बोलते हैं। अगर आपको नहीं लगता है वो पक्ष ठीक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसको आप बोलना चाहते हैं, आपको जो ठीक लगता है अपने पॉइंट्स, वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हमको ठीक लगेगा कि आप सही बोल रहे, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपना क्लियर करने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो मुद्दा अभी जो गरमाया हुआ है, मुद्दा तो काफ़ी यही गरमाया हुआ है, पर फिर भी वीडियो लंबा स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। जो ये बातें चल रही है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जगत दीदी की गलती है या जो कुछ है, तो ये बोला जा रहा है कि गलती दोनों की बराबर है। सचिन को क्यों ब्लेम नहीं किया जा रहा है, जगत दीदी को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? तो भाई एक बात साफ है, आप सुन लीजिए, जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं यहाँ पर ना ही सचिन की तरफ है ना ही जगत दीदी की तरफ है, क्योंकि गलती हम सभी को पता है दोनों के बराबर है। पर यहाँ पर एक बात आप लोग भी जान लीजिए, यहाँ पर सचिन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, सोशल मीडिया के सामने आकर उसने प्रूफ रखे, अपने सारे मोबाइल पर चैट दिखाई, उसके भाई ने इवन बता दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, अफेयर था। किसने बता दिया? जगत दीदी के भाई ने बता दिया आकर, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सब कुछ झूठी खबर है या झूठी फैलाई जा रही है। सचिन ने अपना एक्सेप्ट कर लिया। अब इधर आते हैं यहाँ पर जो नुकसान किसका हो रहा है, मनीषा का। अब बोला जा रहा है मनीषा ब्लेम कर रही है जगत दीदी, अपने पति को क्यों नहीं बोल रही है? वो भैया अपने पति को भी बोल रही है, पर जगत दीदी को सबसे ज़्यादा ब्लेम इसलिए कर रही है, उसने ये कहा कि मेरे पति को छोड़ दो, अगर वो नहीं मान रहा है तो कम से कम तुम समझदारी दिखाओ, तुम तो छोड़ दो, तुम बातें मत करो उसके साथ में, उसने ये कहा। इसलिए हम लोगों की सिंपथी मनीषा की तरफ है और जगत दीदी की तरफ कम है। जगत दीदी को बोलने के बावजूद भी वो क्यों नहीं मानी, वो क्यों नहीं मानी जब वो बार बार हाथ जोड़ के बोल रही है मेरे पति से दूर रहो, मेरा पति नहीं मान रहा है। वो खुद कह रही है मेरा पति नहीं मान रहा है, वो तुमसे बात करना चाह रहा है, तुम्हारे जब तुम बुलाती हो दौड़ा चला आता है, पर तुम तो मान जाओ, तुम मत बुलाओ, तुम उससे बातें करना कम कर दो, तो हो सकता है चीज़ें सारी धीरे धीरे ठीक हो जाती। पर यहाँ पर नहीं मानी, वो खुद बोल रही कि वो जगत दीदी नहीं मानी, वो इवन कॉल करती रहे, तीन दो दो तीन तीन बजे तक बातें करते हैं, या जो भी कुछ है जब भी वो बुलाती हैं दौड़े चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही पॉइंट उठाना चाहते हैं कि भाई वो उस लड़की, वो लड़की बोलती जा रही है, तब भी तुम इस बात को क्यों समझने के लिए तैयार नहीं, जब तुम्हारी वाइटी पर पूरा सोशल मीडिया पर इस तरीके से इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। अब बता रहे हो कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो अब ये बताया जा रहा है, मुद्दा ये लाया जा रहा है, मतलब कि सगाई, वो शादी करने, उसने बोला था कि मैं 15 दिन के अंदर शादी कर लूँगी, इसीलिए सचिन ने बोला कि मैं सोशल मीडिया पर सब बता दूंगा, सब दिखा दूंगा, उसको बदनाम किया, जो ऑफ कैमरा भी हो सकता था। तो भैया ये जगत दीदी ही करा सकती थी, उन्हें उसको क्या ज़रूरत थी, जब उस सचिन का मूड जानती है, उसका बिहेवियर जानती है, इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, उसको पता नहीं था कि अगर मैं उसको ये चैलेंज दूँगी तो वो ये सारी चीज़ें कर देगा, मतलब सोशल मीडिया पर उसने अगर बोल दिया तो लेकर आएगा, तो उनको क्या करना चाहिए था, आप बताइए उनको क्या करना चाहिए था। अगर आप किसी के साथ में रहते हो 1 साल से 1.5 साल से, उसकी सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरह का वो इंसान है, ज़िद्दी है या थोड़ा अड़ियल है, जैसा भी है, तो कम से कम आपको अगर उसने एक बार चैलेंज कर दिया तुमने कि मैं सोशल मीडिया पर सब लेकर आऊँगा, तब आपको क्या करना चाहिए था? तब आपको कैसे भी तरीके से, चाहे फुसला कर, चाहे झूठ बोल कर, धोखे से, कुछ भी करके आपको ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए थी, क्योंकि आपके सिवा उसको कोई नहीं रोक सकता था। पर आपने नहीं किया, आप भी उसकी तरह ज़िद्दी बन गई, आपने कहा जो करना है करो, मैं
शादी करूँगी, 15 दिन के अंदर करूँगी। तो उसने भी वही कर दिया, उसने भी वही कर दिया। अब बात हो रही है कि उसकी गलती है, गलती है उसकी, उसने नहीं सोचा, पढ़ा लिखा है, समझदार है, टीचर है, पर आप भी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तो गलती दोनों तरफ से हो रही है। जो चीज़ आप करवा सकती थी, आप खुद अपनी इज्जत सोशल मीडिया पर इस तरीके से जो धज्जियाँ उड़ रही है उसको रोक सकती थी, रोक सकती थी, क्योंकि आप जानती हो, आप जानती हो उसके, उस इंसान का नेचर जानती हो, वो इंसान कैसा है। जब हम इंसान का नेचर जानते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं उसको रोकने की, पर आपने कोशिश नहीं करी, आपने कहा कि नहीं जो तुम्हें करना है करो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर यही बात होती है कि किसकी तरफ हम बोल रहे हैं, किसके, हम किसी की तरफ नहीं बोल रहे, हर तरीके से मनीषा का नुकसान हो रहा है। कि वो क्योंकि आपने, पता नहीं, आप खुद समझदार हैं, जानती हैं कि आपने क्या जादू किया है, क्या आपने ऐसा वो हो गया है कि मतलब आपके अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं, मतलब समझ रहे हो आप कितना ज़िद्दी इंसान, इसको बोला जाता है, मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे आशिक होते हैं या तो खुद मर जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे। ये पहली घटनाएं नहीं है, इसके पहले भी आप आए दिन न्यूज़ में सुन लीजिए कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ में, तो यहाँ पर वही वाला सीन पूरा चल रहा है कि मैं तो बुरा बन गया, मैंने बता दिया सोशल मीडिया पर मैं क्या हूँ, पर तुम्हारी इज्जत को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको बोलते ना, वो थोड़ा सा उस टाइप का वो है बंदा, ठीक है, उस टाइप का है, ज़िद्दी बोल सकते हैं इसको, वो ज़िद्दी टाइप का है, जो उसने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है वो करना है। अब वो आप ही समझ सकते हो, अब आप मूव ऑन करना चाहती हो, उसको लग रहा है कि मैं, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पहले तुम आई। और फिर हाँ, यहाँ पर एक और बात जो बोला जाता है कि क्यों बोल रहे हो उनके खिलाफ़, तो एक और बात मेरे यहाँ पर जो दिल में लगती है जगत दीदी के खिलाफ़, कि आप YT पर आई, आपने बोला मैं अपना पक्ष रखूँगी, अभी तक आज इतनी तारीख हो गई, सारी चीज़ें आप मूव ऑन कर गई, पर आपने जो ऑडियंस जानना चाहती है वो चीज़ आपने बताई ही नहीं और यहाँ पर रखी भी नहीं। अच्छा, आप अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, जो जगत दीदी के जो अंधे भक्त हैं अभी भी बोल रहे हैं एक औरत औरत की दुश्मन होती है, तो आप बताइए कि उसने बोला मैं अपना पक्ष ला के रखूँगी, अभी कौन सा उन्होंने अपना पक्ष ला के रखा? उन्होंने ये बताया कि हम दोनों में रिलेशन था? नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि कब से था, और मैंने इनको जो कोई भी प्रूफ ऐसे दिखाया कि जो ये साबित करती हूँ कि इन्होंने सचिन और मनीषा को अलग करने की कोशिश नहीं की, ऐसा कोई प्रूफ लेकर आई कि शुरुआत जो है मेरी तरफ से नहीं हुई है, शुरुआत हुई थी सचिन की तरफ से। बात रही ब्लैकमेल करने की, सचिन इनको ब्लैकमेल करते थे, तो किस बात के लिए ब्लैकमेल करते थे सचिन भैया? सचिन किस बात के लिए ब्लैकमेल करते थे वो तो बताइए कि मुझे ब्लैकमेल करते थे? अब बात ये करते हैं कि ब्लैकमेल जब शादी करने के लिए ये तैयार हो गई तब उसने ब्लैकमेल करना चालू किया, तो भैया वो तो करेगा, जब तुमने उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं कि मैं तुम्हारे साथ जीऊँगी मरूँगी, दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थापूँगी, तो फिर वो तो ब्लैकमेल करेगा, क्यों नहीं करेगा? ये तो अपने बात समझने वाली होती है भाई। एक तो तुमने उसको पूरा प्यार में सराबोर कर दिया, डुबो दिया पूरा, कि मैं मतलब पता नहीं क्या क्या बातें हुई होंगी, जो कुछ हुई होंगी, वो कितना तरीके से वो पागल हो गया है वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जो इंसान सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपने प्यार को बदनाम कर सकता है वो क्या क्या कर सकता है। तो इतने सारी चीज़ें हैं, तो कहीं से भी जगत दीदी का पक्ष जो है क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी तक, इवन नहीं दिख रहा आज दिन तक, आज दिन तक नहीं दिख रहा है। फिर भी ऑडियंस है, औरत औरत की दुश्मन होती है, औरत औरत की दुश्मन होती है, तो भाई कोई चीज़ तो ऐसी अपने सामने लेकर आओ, सिर्फ यही कि बदनामी नहीं करे एक औरत की, उस औरत का क्या जो 1.5 साल से ज़िंदगी में हर दिन घुट घुट कर मर रही है, जी रही है, वो सीन याद कर करके जी रही है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन था, कैसी बातें होती थी, कैसी चैट होती थी, पत्नी मैं हूँ, पत्नी का दर्जा किसी और को दिया जा रहा है, उस औरत का किसी को ख्याल नहीं आ रहा है। वो तो यहाँ पर कोई भी सचिन के पक्ष में कोई भी क्रिएटर और कोई भी रिएक्शन चैनल वाले नहीं बोल रहे हैं, सब लोगों को चिंता है, तो सिर्फ मनीषा की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ। तो यही सारी बातें मैं जो मेरे वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि आप क्या लगती हो, आप क्यों बोल रही हो नेहा के अगेंस्ट, तो भाई ये सारे रीज़न हैं, ये सारे रीज़न हैं जो मैं अभी आपको बताया पूरे वीडियो में। और मनीषा की तरफ है, हम मनीषा की तरफ बोल रहे हैं, वो भी एक औरत है, हमको उसका पक्ष कमज़ोर लग रहा है, उसके साथ गलत हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि इनके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ। गलत हुआ किन चीज़ों से गलत हुआ? तो इनकी गलतियों के कारण इनके साथ गलत हुआ, जो इन्होंने गलत की हैं। उस लड़की का क्या दोष जिसने नहीं गलत किया उसके साथ गलत हो रहा, वो किन गुनाहों की सज़ा भुगत रही है? उन्होंने तो, उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो हर अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाई, पूरा पत्नी धर्म निभाया, सुख दुख हर किसी चीज़ में सचिन के साथ खड़ी रही है, तो उसका क्या? आप ही बताइए, बताइए उसका क्या? तो इस पूरे मैटर, आप ये बोल रहे सब लोग परेशान हैं, ख़त्म होना चाहिए, तो हम भी चाहते हैं ख़त्म हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें किसी से क्या मिलेगा? ना ही हमें मनीषा कुछ दे जाएगी, ना सचिन कुछ दे जाएगा, ना जगत दीदी कुछ देकर जाएगी, कोई हमें कुछ नहीं देकर जाएगा, बस थोड़ी सी
सिंपति हम लोगों की मनीषा की तरफ है। और बात ही रही रिएक्शन देने की, तो भैया हम लोग जैसे नॉर्मल ब्लॉग आते हैं तो ये लोग अगर नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, और तो कोई बात है नहीं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना पक्ष यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ गलत लगी क्या सही लगी। अभी भी मैं एक रिएक्शन किसी का देख रही थी, वो भी काफ़ी कुछ बोल रही थी, मतलब जगत दीदी के फेवर में बोल रही थी। तो यहाँ पर कोई किसी के फेवर में नहीं है, ठीक है। जिसको अपना पक्ष रखना है रखे, सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है। बस ये है कि कुछ बातें हैं जो वल्गर टाइप ना हो, ना बोली जाए किसी के खिलाफ, और तो कुछ है नहीं। और अगर आप जगत दीदी हैं तो अपना पक्ष मजबूती से आके रखें, कुछ सामने चीज़ें रखें, वो कुछ रखना ही नहीं चाहती हैं, सिर्फ ऐसे ही आगे मूव ऑन करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आपको क्या लगता है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसा कुछ लगा हो कि भाई कुछ पॉइंट है जो सही बोले हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।